झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं अब खत्म हो चुकी है। वहीं अब परीक्षाएं पूरी होने के बाद कॉपियों की जांच शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10वीं की कॉपियों की जांच 21 अप्रैल से और 12वीं की कॉपियों की जांच 23 अप्रैल से शुरू होगी। इसके बाद आंसर शीट चेक करने के बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अब ऐसे में नतीजों की घोषणा जून में हो सकती है। हालांकि इस संबंध में झारखंड बोर्ड ने कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक की परीक्षाएं 2 मार्च 2023 से शुरू हुई थी और 3 अप्रैल को खत्म हुई थी। वही इंटरमीडिएट एग्जाम 1 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चले थे। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वें रिजल्ट 2023 घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट यानी कि jac.jharkhand.government.in पर नतीजे चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और जन्म तिथि एंटर करनी होगी। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के अलावा SMS के जरिए भी चेक हो सकते हैं। इसके लिए कक्षा 10 के परिणामों को चेक करने के लिए स्टूडेंट को एक मोबाइल में मैसेज एप्लीकेशन पर जाना होगा। इसके बाद छात्र अपने नतीजे देख सकते हैं।